हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो हम देख रहे हैं वो है चीन को बहुत भारी पड़ रहा खुलासा। वो जो उन्होंने दिखाई थी ना, जो हमने वो वीडियो की थी जिसके अंदर मेरे ख्याल से वो ये बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ है और हमारे जो है फोर सोल्जर्स जो है उसमें उनकी डेथ हो गई थी। मुझे लग रहा है वही खुलासा बोल रहे होंगे, या को और कोई खुलासा है तो वो पता चल जाएगा हमें। हमें तो अभी तक यही खुलासा पता चला है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हो, पता करते हैं क्या मेरा जो आइडिया है, जो मैंने जज किया है या जो मैंने सोचा है, वो ठीक है कि नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कल आपको पता है कि चीन ने गलवान घाटी की हिंसा का वीडियो जारी किया था। इसके अलावा ये बताया था कि उसके 5 सैनिक इसमें मारे गए हैं। लेकिन ये वीडियो और ये खुलासा अब शी जिनपिंग के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है, क्योंकि चीन में मच चुका है घमासान। और घमासान ऐसा वैसा नहीं, एकदम नेक्स्ट लेवल का है। देखिए, आपको पता है कि जो सारा मीडिया है हमेशा शी जिनपिंग के अंडर रहता है। कुछ भी आप उनके खिलाफ लिखेंगे तुरंत हटा दिया जाएगा और आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन क्या हो कि लाखों करोड़ों चीनी एक साथ शी जिनपिंग पर धावा बोल दें, तो क्या उन्हें हटाना संभव है? बिल्कुल भी संभव नहीं है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग के लिए मुसीबत यह है कि इसी साल उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर बड़ा फंक्शन आयोजित किया जाना था, लेकिन इस खुलासे ने शी जिनपिंग की जो छवि थी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की उनके देश में, वो मटिया मेट कर दी है। और पता है शी जिनपिंग को किस चीज की उपाधि दी गई है? युद्ध से डरने वाले नेता की। जी हाँ, और मैं हिंदी में भी आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से मैसेज किस तरीके से शो किए जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही कल दोपहर के समय चीन ने एक तरीके से वीडियो जारी किया और बताया कि जी 5 सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं, तो वहां पर जबरदस्त तरीके से लोगों में आक्रोश था। पहले ये आक्रोश था भारत के खिलाफ, जो ऑब्वियस था, जैसे कि हमारा चीन के खिलाफ था। लेकिन शाम होते होते ये आक्रोश भारत की बजाय शिफ्ट हो गया चीन की तरफ, चीन के राष्ट्रपति की तरफ। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 5 लोगों की मौत की खबर 8 महीने तक छुपाई, इसको लेकर सवाल होने लगे। फिर चीन ने कहा कि जी हमने इसलिए नहीं खुलासा किया था क्योंकि हमें डर था कि कहीं इससे युद्ध ना भड़क जाए और दोनों देशों के बीच की जो सेनाओं की बातचीत थी वो ना रुक जाए। लेकिन लोगों ने इसी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, भारत ने तो तुरंत खुलासा कर दिया। इसका मतलब यह था कि चीन उस समय युद्ध से डर रहा था, इसलिए खुलासा नहीं किया और अपने 5 सैनिकों की जो शहादत थी उसे छुपा दिया। जबकि भारत बिल्कुल डटकर यहां पर कह रहा था कि जी हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं और इस कुर्बानी को भुलाया नहीं जाएगा। बल्कि भारत ने एक हफ्ते के अंदर ही 2 बड़ी माउंटेन रेंज पर कब्जा भी कर लिया था, कैलाश माउंटेन रेंज पर और साथ ही ब्लैक टॉप पर भी। यानी कि भारत यहां पर बिल्कुल खुलकर चीन को चुनौती दे रहा था और चीन युद्ध के डर से अपने सैनिकों की शहादत ही छुपा रहा था। और जो दूसरा वहां पर ट्रेंडिंग टॉपिक है इस समय, वो है कि क्या वाकई में ही 5 जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब 8 महीने तक आप जवानों की शहादत छुपा सकते हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जो जवान है हमारे ज्यादा शहीद हुए और आपने उसे सही आंकड़ा ना बता रहे हैं। क्योंकि हाल ही में, अब से 2-3 दिन पहले, चीन के अंदर एक टॉपिक बहुत ट्रेंड था, हालांकि चीनी सरकार ने उसे हटा दिया था। वो था रूसी एजेंसी तास का एक खुलासा, जिसमें उन्होंने बताया था कि चीन के करीबन 45 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे गलवान घाटी में। और उसी के प्रेशर में फिर चीन ने कहा था कि नहीं, हमारे सिर्फ 5 सैनिक मारे गए हैं। और ये तास एजेंसी का ही खुलासा था जिसके दबाव में आकर चीन को यह बात कबूल करनी पड़ी कि जी हाँ, हमारे सैनिक मारे गए हैं, वरना चीन तो अभी बताने के मूड में नहीं था। क्योंकि जो रूस और रूसी एजेंसियां हैं, इन्हें काफी अच्छी नजर से देखा जाता है चीन के अंदर। ये कुछ भी लिखती हैं, बोलती हैं, तो इनकी बातों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। और मैं आपको स्क्रीन पर कुछ कटिंग्स भी दिखा रहा हूं। देखिए आप, जो मतलब कि भारतीय न्यूज़पेपर्स ने जो चाइनीज वाइबो साइट है, जिसे वहां का ट्विटर कहा जाता है, वहां से जो कुछ मैसेज उठाकर बताए हैं कि क्या क्या वहां पर लिखा गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पोज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ घमासान चीन की जनता के बीच मचा है, घमासान मचा हुआ है सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर भी,
कि क्या सी जिनपिंग का रिस्पॉन्स था सैनिकों की मौत पर, यह सही था छुपाना उन्हें? यह बहुत ही बड़ा देशद्रोह एक तरीके से देखा जाता है किसी भी देश में। अगर आप अपने सैनिकों की शहादत छुपा लें तो यानी कि आपने उनकी शहादत को नकार दिया है। ये हर देश के अंदर होता है, सिर्फ भारत या किसी और नहीं, चीन के अंदर भी यही है। इसलिए सीसीपी के अंदर भी चीन के प्रति अविश्वास है, एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है, वो भी ऐसे समय में जब सीसीपी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। बड़े फंक्शन का जो आयोजन था उसके तो भारत ने पहले ही मटिया मेट कर दिया था, गलवान घाटी की हिंसा के बाद जो भारत का रिस्पॉन्स था, और अब जो चीन का खुलासा था इसने और ज्यादा इसे अब धूमिल कर दिया है कि क्या सही में शी जिनपिंग एक राष्ट्रपति बनने के लायक है चीन के, क्योंकि उन्होंने बिना बात के भारत से झगड़ा मोल लिया। कोरोना का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत घटिया था, ऐसे में इतने ज्यादा आरोप इस समय शी जिनपिंग झेल रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेशर में है कि पूछिए मत। लेकिन एक चीज भारत के लिए ये हुई है कि जब भी भारत और चीन के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता था तो चीनी जनता का क्या रिस्पॉन्स होता था कि जी भारत को तो उठाकर फेंक दो, क्या है भारत, कुछ नहीं है, एक छोटा सा पिद्दी सा देश है। हाँ, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा ही तो प्रोपेगेंडा चलाती है कि जी वही सर्वशक्तिमान है, भारत तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। लेकिन इस शहादत ने चीनियों को झकझोर कर रख दिया है कि इंडिया इज नॉट अ जोक। जी हाँ, इंडिया कोई मजाक नहीं है, इंडिया इज अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री, और अगर आप भिड़ेंगे तो आप कुछ खोकर ही यहाँ पर जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप देखिएगा कि आने वाले समय में कुछ बड़ा खुलासा जरूर होने वाला है, क्योंकि जो चीनियों की शहादत थी वो काफी बड़ी संख्या में हुई थी, इसे छुपाया नहीं जा सकता। हाँ, सच को आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़े समय के लिए दबा सकते हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये बाहर आना इसका निश्चित है। कोई ना कोई चीन का या फिर कोई बाहरी देश का खोजी पत्रकार कुछ ना कुछ खुराफा जरूर करेगा और चीनियों की जो असल संख्या थी मरने वालों की वो बाहर जरूर निकाल लेगा। तो फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज थी कि ये न्यूज़ जो इन्होंने अपनी मजबूरी में करनी पड़ी, क्योंकि रशिया के थ्रू पता चल चुका था, उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया था कि 45 जो है सोल्जर्स उनकी डेथ हुई है, तो इनको मैं जैसे इस वीडियो में कह रहे हैं कि मजबूरी में बोलना पड़ा कि हमारी, ये तो 5 बोल रहे थे, जो हमने वीडियो देखी थी शायद उसमें 4 बोला था, मुझे तो यही ध्यान में आ रहा है, तो वो बोला उन्होंने। तो ऑब्वियसली अब जब ये सुनना तो जो चाइनीज जो हैं वो भड़के हैं कि इतनी टाइम तक आपने छुपा के रखा, क्योंकि इंडिया ने तो इमीडिएटली किया था, उनको रिस्पेक्ट दी अपने सोल्जर्स को, सब किया, इन लोगों ने जो है चाइना में बताया तक नहीं है, तो ऑब्वियसली है तो डिसरिस्पेक्ट की बात। आपने अपने सोल्जर्स जो आपके लिए लड़ने जा रहे हैं वो वहां पे उनकी डेथ हुई तो आपने वो अनाउंसमेंट तक नहीं की, और जैसे कह रहे हैं कि अभी थे तो नहीं, अगर 4 या 5 जो भी हैं वो तो नंबर है ही नहीं, वो तो है ही रॉन्ग, हम सबको पता है, तो वो भी बात जब पहले जब खुलेगी तो सोचो तब क्या होगा, क्योंकि जिन फैमिलीज के लोग बच्चे वापस नहीं आएंगे, जो गए हुए थे सोल्जर्स वापस नहीं आएंगे, तो वो तो बोलेंगे ना कि भाई हमारे सोल्जर्स जो हमारे थे वो तो आर्मी में थे, उनकी डेथ कैसे होगी, तो वो उनको पता तो चलना ही चलना है सबको, तो वो ये कह रहे हैं फिर क्या होगा। पर है तो बड़ी हैरानी की और शॉकिंग न्यूज कि इतने टाइम तक छुपा के रखा, और जब लीक किया वो भी मिस इन्फॉर्म ही कर रहे हैं, और चाइना को जो लोग हैं वहां उनको शायद कुछ अवेयरनेस अवेकनिंग आ जाए। तो काफी अच्छा वीडियो था, और इसमें मुझे वाकई लग रहा है कि वहां पे थोड़ा कंसर्न आएगा। मुझे पता नहीं कि वहां के लोग जो है कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसर्न, क्योंकि एक ही गवर्नमेंट है और काफी टाइट कंट्रोल है, तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे इस बात को, न्यूज़पेपर्स में तो ज्यादा आ नहीं पाएगा, लोग मोर्चे भी निकाल नहीं सकते, तो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ उनका उनका अपना ही जैसे ट्विटर होता है उसमें उन्होंने वो लिखा, वो भी कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट का, वो भी कंट्रोल्ड है, तो कैसे कर पा रहे हैं। लोग ज्यादा भड़के हुए तो और लेस होते तो दबा देते, भी ज्यादा हो गए शायद। और मगर उनको ये है कुछ पॉइंट्स पे, पहला ये कि इतने समय के बाद आपने बोला, हमें न्यूज में नजर आया था 4, अभी कह रहे हैं 5, चलिए इतने समय बाद आपने बोला कि 5 लोग जो हैं, 5 सोल्जर्स की मृत्यु हुई है, फिर वो कह रहे हैं कि इतने आपने पहले क्यों नहीं बताया। अब वो कह रहे हैं आप पहले बताते तो और ज्यादा वॉर जाती, तो सही बात कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं ऐसी बात है, इंडिया ने इमीडिएटली बता दिया, मतलब इंडिया को कोई डर नहीं था वॉर का, आपको डर लग गया वॉर का और आपने इतने दिनों बाद बताए 5, और वॉर शुरू भी इन्होंने की थी, मजे की बात है। वो तो मतलब जो भी है वो लोग तो यही दिखा रहे थे कि भाई इंडिया वाले आए हमारे एरिया में, हमने रिपेल किया, हमारे 5 बंदे मर गए, अब इतने समय बाद हम बता रहे हैं 5 बंदे मर गए, हम उस वक्त नहीं बताना चाहते थे क्योंकि वॉर बढ़ जाती, तो ठीक है, लोगों का यही है कि आपने उसी वक्त बताना चाहिए था, हमारे लोग मर गए, आपने नहीं बताया, अब बता रहे हैं आप, इंडिया को फर्क नहीं पड़ी, इसका मतलब वो काफी एग्रेसिव थे। उसके बाद जो है अब अगर कहीं और से न्यूज पहुंच जाती है कि लोग कह रहे हैं कि जी 5 नहीं थे 40 के करीब थे, तो और लोगों को प्रॉब्लम आएगी, अब कौन वहां पे रिसर्च करेगा, कौन उस न्यूज को निकालेगा,
एरिया तो खतरनाक है, वहां पे मेरे ख्याल से इतना कोई ओपननेस नहीं है, तो पता लगेगा कि अल्टीमेटली क्या होता है क्या वहां के लोगों, मगर ऐसी कोई हमने न्यूज नहीं देखी है जहां पे प्रोटेस्ट हो गए हों, क्योंकि प्रोटेस्ट वो नहीं कर पाएंगे अपने लीडर के खिलाफ। वो तो बहुत उन्होंने किया, वो इतना उन्होंने कंट्रोल किया है कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। जहां पे एक बंदा जरा सा बोल देता है कि भैया कोरोना वायरस का डर है, तो वही गायब हो जाते हैं। तो जहां पे कह रहे थे अली बाबा का जो हेड है उसको भी गायब कर दिया था, वापस आ गया वो। तो मतलब जो भी था पॉइंट, जैक मा जो था, तो जैक मा दिखा रहे हैं कि वापस आ गए हैं, मगर पॉइंट यही था कि जहां पे एक ही पार्टी का रूल है वहां पे लोग डेफिनेटली बहुत डरे हुए रहेंगे और सहमे हुए रहेंगे, और इस तरीके से वो ज्यादा अगर चाहें भी तो मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। पर कोई पता नहीं होता, एक चिंगारी काफी होती है कई बार आग लगाने के लिए, तो ये तो टाइम ही बताएगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।